स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के साथ काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन डिस्कस करने वाली हूं। उससे पहले आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, नोटिफिकेशन को ऑन कर देना है, ताकि ऐसी ही लगातार जानकारी आप सभी लोगों को मिलते रहे। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि काफ़ी ज़्यादा डाउट्स यहाँ पर हमें जो देखने के लिए मिल रहे, दैट इज़ रिलेटेड टू द चॉइस फीलिंग। तो हम लोग काउंसलिंग रिलेटेड प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर चुके थे, काउंसलिंग का क्या शेड्यूल रहने वाला है उसके बारे में डिस्कस कर चुके थे। इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊँगी कि काउंसलिंग से रिलेटेड कि काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है, ऑफिशियल गाइडलाइंस क्या हैं काउंसलिंग की चॉइस फीलिंग से रिलेटेड। तो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप लोग मेक श्योर करें कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर दिया हो, ताकि आप लोगों को जो भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रहे वो आप लोगों को मिलती रहे। तो चलो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो चॉइस फीलिंग में सबसे पहली चीज़ कि आप लोगों को कितनी चॉइसेस फील करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा डाउट हमें यही स्टूडेंट के देखने के लिए मिलते हैं। तो आप लोगों की जितनी मर्जी हो आप लोग उतने कॉलेजेस को फील करें, ऐसे कोई डिसाइडेड क्राइटेरिया नहीं कि आप लोग दो फील कर सकते हैं, तीन फील कर सकते हैं। बाकी जो फर्स्ट तीन चॉइसेस रहती हैं वो मैटर करती है। मतलब तीन चॉइसेस आप लोग जो भी फिल करेंगे उसमें आप लोगों के ज़्यादा चांसेस होते हैं आप लोगों को सिलेक्शन मिलने के, अगर आप लोगों ने चॉइसेस अच्छे से फिल की हैं तो। एंड आप लोगों को कितने मार्क्स के अकॉर्डिंग किस कॉलेज को फिल करना है, इस पे भी मैंने डिटेल से एक वीडियो बनाई है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हैं कि अगर आप लोग किस कैटेगरी से कितने मार्क्स हैं तो आप लोगों को कौन सा कॉलेज फिल करना चाहिए। ये तक मैंने आप लोगों को जो है वीडियोज़ की फॉर्म में आप लोगों को प्रोवाइड किया। तो आप लोग ज़रूर वीडियो जाके देखें। अगर आप लोग करेक्टली चॉइस फिल करते हैं, मतलब अगर आप लोगों के जितने मार्क्स हैं उसी के अकॉर्डिंग आप लोग कॉलेज फिल करते हैं, तो आप लोगों को 100% कॉलेज अलॉट होता है। एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊं, अगर आप लोग चॉइस फिल करेंगे, आप लोगों के 70 मार्क्स हैं, आप लोग फर्स्ट चॉइस में पीछे है रोहतक फिल कर रहे हैं, सेकेंड चॉइस में जनरल कैटेगरी से एंड सेकेंड चॉइस में करनाल, थर्ड में सफीदो कर रहे हैं, तो आप लोगों को एक भी कॉलेज अलॉट नहीं होगा। तो ये एक गलत चॉइस फीलिंग होगी एंड गलत चॉइस फीलिंग की वजह से आप लोगों को नोट अलॉटेड जो है अलोकेशन लिस्ट में आएगा। इस वजह से आप लोग ये गड़बड़ ना करें, आप लोग ये गलती ना करें। इस वजह से मैंने आप लोगों को पूरी गाइड करके वीडियो बताई है। बाकी आप लोग चॉइसेस जो है काफ़ी फिल कर सकते हैं, आप लोगों के पास इससे रिलेटेड अपॉर्चुनिटी भी होती है। तो कभी भी ये नहीं करना होता कि कम चॉइसेस हम लोग फिल करें। आप लोगों की जितनी मर्जी आप लोग चॉइसेस फिल करें, ठीक है, सभी के सभी कॉलेजेस जो रहते हैं वहाँ पर ऑप्शन में आप लोगों को अवेलेबल रहते हैं। बात करते हैं चॉइस फिलिंग ऑफिशियल शेड्यूल के बारे में कि कब से हमें चॉइस फीलिंग जो है देखने के लिए मिलेगी। स्टूडेंट, जैसे ही आप लोग बोल सकते हैं फॉर्म एडिट होगा उसके बाद आप लोगों को चॉइस फीलिंग देखने के लिए मिलेगी, बिकॉज पहले आप लोगों का फॉर्म जो है फिल करवाया जाएगा एंड देन आप लोगों से जो है चॉइस फीलिंग करवाई जाएगी। आप लोग ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट जो चॉइस फीलिंग रहेगी वो 28 के अराउंड जो है स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ऑफिशियल शेड्यूल आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, 28 से भी पहले हो सकती है। ये इस वजह से है बिकॉज एडिट के लिए आप लोगों को मैक्सिमम वन डेज दिया जाता है, ठीक है। तो यहां पर जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, जरूरी नहीं है कि 4 दिन का आप लोगों को समय मिले एडिट का, तो आप लोगों को उससे पहले ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। मतलब 28 से पहले पहले आप लोगों को ऑफिशियल जो लिंक जो है एक्टिवेट हो जाएगा, जिसमें आप लोग अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग चॉइसेस को फिल कर पाएंगे। पोर्टल में ये सब कुछ करना होगा। कैसे करना होगा? अगर आप लोग स्टेप बाय स्टेप वीडियो चाहते हैं चॉइस फिलिंग से रिलेटेड, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में मैंशन कर देना होगा। बाकी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ जाते हैं तो उनको मैं पढ़ नहीं पाती हूँ, तो आप लोगों को इस चीज़ का बिल्कुल बुरा नहीं मानना है। जो भी अगर आप लोगों के ज़्यादा क्रूशियल डाउट हैं तो आप लोग मेल कर सकते हैं मुझे। मेल पे सबसे ज़्यादा जो है आप लोग बोल सकते हैं कि जल्दी रिप्लाई मिलता है। एंड सेकेंडली आप लोग इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जितना टाइम रहता है उसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को रिप्लाई कर देती हूँ। बट ऑलमोस्ट स्टूडेंट का ट्राई करती हूँ कि मैं रिप्लाई हो जाए। बाकी जो भी आप लोगों के डाउट्स हों उससे रिलेटेड मैंने आप लोगों को बता दिया। मिलेंगे एक नेक्स्ट न्यू अपडेट के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।